आखिर हम अपने मोबाइल में लूडो गेम खेलकर किस तरीके से पैसे जीत सकते हैं, जीते हुए पैसे हम अपने बैंक अकाउंट में किस तरीके से ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, आपको कोई भी यहाँ पर पैसा ऐड करना नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा कि आखिर आपको गेम को किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से आपको साइन अप करना है और आप आखिर किस तरीके से जीते हुए पैसे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप उस पर सिंपली क्लिक करेंगे और आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, अपने मोबाइल नंबर से आपको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने फिर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जैसे ही आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर में ही रिवार्ड्स देखने को मिल जाएगा, जो भी आपको रिवार्ड्स मिला होगा, ठीक है। अगर आप मेरी लिंक के द्वारा डाउनलोड करते हैं तो आपको 20 रुपये का मिलेगा, 10 रुपये को आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे में अर्न का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर स्पेम का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रिवार्ड्स या फिर आपको कैशबैक मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि रिवार्ड्स मिला है मुझे 1, ठीक है। जैसे ही अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको 50 रुपये, 100 रुपये, ठीक है, आपको रिवार्ड्स के तौर पर मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर और भी कमाई करने के और भी कई सारे तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि रेफरल, रेफरल पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। रेफरल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि मुझे भी यहाँ पर कुछ रुपए मिलते रहते हैं। जैसे कि मैं लोगों को यहाँ पर डाउनलोड करवा देता हूँ और तो उससे यह है कि थोड़ी सी मेरी भी कमाई हो जाती है, ठीक है। तो आप जाइएगा मेरी लिंक के द्वारा, वहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो आपको 10 रुपये का एक्स्ट्रा तो आपको यहाँ पर कैशबैक मिलेगा, जो कि आप खेल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अब चलिए हम यहाँ पर पहले गेम खेल लेते हैं, उसके बाद में जानेंगे कि आखिर विड्रॉ किस तरीके से करना है और कौन कौन सी आखिर इसकी टर्म कंडीशंस होती हैं। इसी के साथ में खेलते समय आखिर हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना होता है, तभी हम यहाँ पर जीत पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लूडो गेम को यहाँ पर प्ले कर लेते हैं और देख लेते हैं। जैसे कि 5 रुपये वाला ही यहाँ पर मैं अभी कर लेता हूँ सिलेक्ट, क्योंकि मेरे में इतने ही पैसे बैठ रहे हैं लमसम में, ठीक है, या फिर मैं अधिक वाला यहाँ पर खेलूँ तब, ठीक है। तो भाई यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, इस मोबाइल की जो स्क्रीन है आपको बराबर में शो हो रही है। तो चलिए हम यहाँ पर चाल चल देते हैं, हमारे 3 अंक आ चुके हैं और उसके बाद में फिर से हम चलेंगे तो हमारे 3 फिर से आ गए हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान कौन सी बात को देना है कि सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अंक कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी यह है कि आपको चाल किस तरीके से किस समय चलना है, ठीक है। ये तो निर्भर करता ही करता है कि आखिर आपके अंक ज़्यादा आ रहे हैं तो आपके जो चाल है वो ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, यानी कि आपकी गोटी ज़्यादा तेज भागेगी। पर इसी के साथ में कम अंक आ रहे हैं तब आखिर हम किस तरीके से जीत सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब ये गोटी हमारी यहाँ पर आ रही है। जैसे ही हमारे कम अंक आएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार चल देंगे। जैसे कि 5 या 6 आते हैं तो हमें नहीं चलना है ये वाली गोटी, और जैसे कि ये है अब हम इसे चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर 1-2 आता है तो हम इसमें से पीछे वाली में से बढ़ाएंगे गोटी इसके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसी गोटी को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि 5 आ गए हैं हमारे। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर से हम इस वाली गोटी को चलेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इसे गोटी को बैठाएंगे, ठीक है। इसके पास और कोई दूसरा चारा ही नहीं है क्योंकि इसे चलना ही चलना होगा इन गोटीज को, या फिर उस गोटीज को लाएगा तो आपके पास तो चाल है 5 से 5 करना है सिर्फ आपको इस वाली गोटी को, ठीक है। उसके बाद में छक्के से यहाँ पर निकालना होता है, ठीक है। तो जो जीतने के चांसेस हैं वो फिर आपके ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसे थोड़ा सा लालच देता हूँ, ठीक है, ताकि गोटी कटे और मेरे तुरंत यहाँ पर बैक में आ जाए, ठीक है। भाई लालच में नहीं आया, ठीक है, सामने वाला बंदा सोच तो रहा है कि गोटी काट दूँ, नहीं काटी उसने पर, ठीक है। तो चलिए हम एक बार फिर से इसी जाल को चलते हैं। कोई यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि हम समझो यहाँ पर गेम जीते हुए ही हैं अभी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद में चलेंगे हम इसके लिए। अब ये डायरेक्ट हमारे पीछे आएगा, ठीक है। अब जो हमारी चाल है वो हम जब भी गोटी बढ़ाएंगे पलंग से तो हमें गोटी की जो चाल है हमें मिलती रहेगी और हम गोटी को यहाँ पर कलर में ले आएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात है आपको कलर पे ज़्यादा ध्यान देना, इसने हमारी गोटी को काट दिया है, अब यहाँ पर इसकी गोटी 5 से भी कट रही है,
ठीक है, फिलहाल इसकी गोटी कटे नहीं, हम इसे अंदर कर देते हैं। अब तीन से हमारी कलर होगी, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर चलेंगे, हम इसकी गोटी को यहाँ पर नहीं काटेंगे, ठीक है। हमें गोटी को ये वाली को काटना है इसकी, तो हम ये वाली गोटी इसकी नहीं काटेंगे और हम ये वाली गोटी काटेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारी कलर में पड़ रही है, ठीक है। अगर हम इस गोटी को यहाँ पर काट देते तो हमारी दूसरी गोटी फिर निकल नहीं पाती वहाँ से। तो चलिए हम 5 से 5 कर देते हैं अभी, तो इसकी 3 से गोटी कट रही है और ये गोटी हटा या फिर कम हमारे अंक आएँ तब हम यहाँ पर रखें, ठीक है। चलिए हम अब इसकी गोटी 2 पे कटेगी, 5 से हमारी गोटी बैठेगी भी। देखो हमने 2 से इसकी गोटी काट दी। अब ये गोटी हमने इसलिए काटी क्योंकि हम गोटी इधर वाली भी काट सकते थे, क्योंकि हमने ये गोटी इसलिए काटी कि जो गोटी हमारी निकल आएगी, ठीक है। देख सकते हैं 3 से अब हमने कलर कर ली है। अब जो हमारे अंक है वो यहाँ पर बढ़ेंगे। चलिए हम फिर से 1 यहाँ पर फिर लालच देते हैं इसे, ताकि ये हमारी गोटी काटेगा भी तो हम इस गोटी को यहीं पर ही दबा लेंगे इसे, यानी कटने के चांसेस जैसे किसी गोटी कटेगी। अब इसी के पीछे ही हम चलेंगे, ठीक है, और जैसे ही हमारे 5 आएंगे तो हम उस वाली गोटी को चलेंगे। देख सकते हैं, कोई बात नहीं, इसने बैठा लिया, 5 आएगा हम इसे चलेंगे। अब ये वाली या तो ये गोटी बचाएगा यहाँ पर, ठीक है, 5 आ जाए फिर से हमारे तो हम फिर से काट देंगे इसे। हम इस वाली गोटी को यहाँ पर बैठाएंगे इसकी, अब हम फिर से इस वाली गोटी को चलेंगे इसकी। कोई बात नहीं है, 3 से 4 से इसकी गोटी कट रही है। देखो हमने इसकी गोटी काट ली, तो कहने का मतलब है गेम तो हम जीत ही रहे हैं। अगर हम इस वाली इसकी जो गोटी पहले थी वो हम काट देते तो जो जीतने के चांसेस थे वो हमारे कम हो जाते, ठीक है। तो हमने अब इसमें कर दी, 5 से हमारी कलर भी हो रही है और 4 से अब इसकी गोटी कटेगी भी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस वाली गोटी को ही चल देते हैं ताकि ये गोटी काटे, ठीक है। पुट से भी कट रही है, 5 से हमारी कलर हो गई, अब इसकी पुट से भी कटेगी, 3 से भी, ठीक है। तो हमें 2 चांस बनने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम स्ट्राइक ले लेंगे एक बार, ठीक है। एक ही बार स्ट्राइक लेना है, अगर आपका इंटरनेट सही है तब, ठीक है। अगर आप दोबारा यहाँ पर लेते हैं स्ट्राइक तो आप यहाँ पर हार सकते हैं, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आपको स्ट्राइक बिल्कुल भी लेना नहीं है, इसने काट दी हमारी गोटी, कोई बात नहीं है, पुट से काटेंगे हम गोटी को, नहीं तो हम इसी पीछे वाले को चलेंगे। जीते हुए तो हैं ही हम, ठीक है, फिर भी ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। देख सकते हैं हम यहाँ पर जीत चुके हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर कट करेंगे और कट करने के बाद जो अमाउंट है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, 11 रुपये हो चुके हैं। इसी के साथ में अब आप यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। विड्रॉ के लिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन मिल गया है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यहाँ पर 11 रुपये हो चुके हैं। मैं आपको सबसे पहले विड्रॉल दिखा देता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पर सुबह भी विड्रॉल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो मैं ट्रांजैक्शन पर सिंपली क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने सुबह 40 रुपये का यहाँ पर विड्रॉल किया था। आप यहाँ पर डिपॉजिट देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डिपॉजिट तो लगभग मैंने यहाँ पर 25 मई को किया था और यानी कि 9 रुपये किए थे, ठीक है। तो उस समय शायद इसमें मुझे ज़रूरत पड़ी थी। और आप देख सकते हैं 30 मई को यहाँ पर मैंने 42 रुपये का विड्रॉ किया है, 24 मई को मैंने 28 का किया था, 21 मई को मैंने यहाँ पर किया था 39 रुपये का, ठीक है। तो मैं इसमें गेम बहुत कम खेलता हूँ, जैसे ही मनोरंजन के लिए मैं खेलता हूँ, ठीक है, वैसे नहीं खेलता हूँ कि मैं आप समझे कि मैं भाई पर्सनली इसे गेम को खेल लिया हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। टोटल बैलेंस हमारा इतना है और जो विनिंग है वो अभी 9 रुपये हैं। अब आप यहां से विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉल पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, पर ये बता रहा है कि आपकी जो अमाउंट है वो 25 रुपये से कम है, ठीक है। जैसे ही 25 रुपये हो जाएंगे तो हम यहां पर अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लेंगे। अब विड्रॉल के लिए सबसे पहले आपके पास UPI, Paytm या फिर अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें तीनों चारों जो सुविधा होती हैं पैसे ट्रांसफ़र करने को लेकर वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी मेरा जो UPI अकाउंट है वो इसमें ऐड है, इस वजह से यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सेटिंग्स, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐड का जैसे कि विड्रॉल, ट्रांजेक्शन और TDS, पहले था जो इसमें TDS कटता था पर अब TDS नहीं कट रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है रस एप्लीकेशन वाले आपको TDS यानी कि तुरंत दे देते हैं और ये एकदम मैं आपको बता दूं ये एक इंडियन एप्लीकेशन है जो कि आपको इसमें देखने को भी मिल गया है, मेडल इंडिया, ठीक है, मेडल इंडियन, ठीक है। 24 घंटा कस्टमर सपोर्ट है इस पर और आप इसे डिपॉजिट एंड
विड्रॉल कर सकते हैं और ये पूरी तरीके से वेरिफिकेशन यानी कि वेरीफाइड है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसमें डर तो किसी भी प्रकार का है ही नहीं, ठीक है। और आप खेलना चाहते हैं तो आप सिंपली होम पर फिर से क्लिक करेंगे और इस पर ऐड प्ले पर करेंगे और आप यहाँ पर कितने वाला गेम खेलना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर खेल सकते हैं। तो चलिए एक बार हम फिर से यहाँ पर गेम को खेलते हैं, जैसे कि 12 वाले, तो चलिए इसमें 12 रुपये नहीं है तो हम कितने वाला खेल सकते हैं इसमें अभी हम 5 रुपये वाला ही खेल सकते हैं, 2 पे 2, ठीक है। तो फिलहाल तो चलिए मैं अभी आपको फिर से 5 रुपये वाला ही ये गेम खेल के दिखाता हूँ। आप इसमें 4 जने वाला भी खेल सकते हैं, 3 जने वाला भी खेल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आराम से आप इसमें खेल सकते हैं। तो जो गेम है वो हमारा यहाँ पर प्ले हो रहा है और देखते हैं कौन आ रहा है यहाँ पर। ओ, एक लड़की आ गई है यहाँ पर। तो चलिए, मैंने आपको बताया था कि कौन सी बातों को यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि अभी हमारे जो अंक हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और सामने वाले के भी अब हमारे दोनों के यानी कि बराबर हैं, ठीक है। तो 2 अंक आए हैं तो हम चलिए फिलहाल तो अभी यही चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं वो स्टॉप पर गोटी रोक के चलते हैं, जैसे कि इसने रोक दिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले गोटी को यहाँ पर पहुँचाएंगे इसके सर पर, बिल्कुल। अब भाई 3 और जिसका छक्का आ गया है, तो चलिए इसके 18 हो गए हैं और इसके 19, तो हम उनसे कम हैं और हम इसे चल सकते हैं पर हम नहीं चलेंगे क्योंकि हमारी 5 से गोटी कट जाती है, वो 4 से गोटी कट जाती है। तो एक गोटी हम फिर से निकालेंगे यहाँ पर। और हम 4 से इस पीछे वाली गोटी को चलेंगे, 3 से फुट पे, 2 से, ठीक है। तो हम इसे पहली बात तो यहाँ पर इसे ही चलेंगे अभी, क्योंकि छक्का 5 आता है या फिर खाली आता है। देखो हमने कहा था छक्का 5 या खाली आता है जल्दी ही, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम फुट से पहले तो गोटी को बिठाएंगे ताकि ये छक्के से निकाले और हमारी गोटी कट ना जाए। चलो भाई साहब, अब हम इसमें इस गोटी को बढ़ाते हैं एक बार, ठीक है। 5 आते हैं, 4 आते हैं तो काट देंगे हम गोटी को, बिल्कुल भी यहाँ पर रोकना नहीं है हमें बिल्कुल भी, ठीक है। अब भाई यहाँ पर हमें चाल मिल चुकी है, फिर से छक्का हमारा यहाँ पर फिर से आ चुका है और हम यहाँ पर फिर चलेंगे एक बार, देख सकते हैं। तो रुके, 5 आ गए, हालांकि इसे गोटी ये वाली चलना थी मगर ये नहीं चले भैया। तो अब भाई छक्का इस बार नहीं आया इसका, बस बच गए, ठीक है। अब हम इसे गोटी को यहाँ से निकालते हैं, बस बैठ गई हमारी गोटी। अब हमारे वैसे भी अगर हम इस गोटी को कलर कर लेते हैं तो करीब समथिंग हमारे 5 हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि 50 बढ़ जाएंगे इससे ज़्यादा। अब इससे हम पहले तो भैया इसे लालच देते हैं, देखते हैं लालच क्या, वो हमारी गोटी कम है और कहीं पर है नहीं बैठी हुई, तो हम इसे अब अंदर कर देते हैं। 4 से हमारी कलर हो जाएगी, ठीक है, 5 से 5 हम कर देंगे और देखते हैं अभी क्या हो रहा है। भैया थोड़ा सा लालच देंगे इसे, क्या होता है। तो चलो हम इसी को चलते हैं फिर से और 2 छक्के आ चुके हैं हमारे यहाँ पर। अब 5 एक बार आ जाएं तो भाई साहब, मगर 2-3 छक्के आ गए, मैं कहने आ रहा था आपको, या तो देखो 5 आएंगे या फिर 3 छक्के आएंगे तो लगातार खाली जाएंगे, ठीक है। 4 से हमारी कलर हो चुकी है और यहाँ पर फिर हमारे बढ़ती हो चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल इसी को चलेंगे, उसने नहीं काटी और हम क्या करेंगे फिर, चले पीछे वाली को चलते हैं। अब पीछे वाली को हम क्यों चल रहे हैं, ताकि ये गोटी को हमारी काटे, पर इसने गोटी हमारी नहीं काटी, ठीक है, क्योंकि दो पर ही रहने देना, 2 से आगे मत बढ़ाना, अब ये काटेगा हमारी गोटी को, तुरंत पीछे आ जाएगी, 2 से इसकी गोटी यहाँ पर कटने लगेगी, रुकेगी तब, ठीक है। 2 से कट रही है, अगर इसकी गोटी कट जाती है तो हमारे अंक समझो सब पूरे ही हो जाते हैं बराबर। चलो 3 आ जाएं, अरे बच गई भाई साहब इसकी गोटी, 5 छक्के से इसकी गोटी कट रही है, चल आ जा छक्का, नहीं आई, मैं भी देखता हूँ कहाँ तक इसकी गोटी नहीं कटेगी, छक्के से पहुँच गई कोई बात नहीं है, मैं भी फिर चलूँगा इसी को ही। ओ अंदर ले गया, ठीक है, अब हमें इसी वाली गोटी को चलना है, इसकी पीछे छक्का आए, हम उस गोटी को यहाँ पर निकालेंगे फैक्सी ने, ठीक है, इस वाली गोटी को निकालेंगे क्योंकि समय है वो हमारे पास बहुत ही कम है, ठीक है, क्योंकि हमें गोटी को यहाँ पर कलर करना ही होगा।
तभी हम जीत सकते हैं, वरना हम नहीं जीत सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है हमें। अब दो से कट रही है, देखो यहाँ पर तीन से पाँच से, ठीक है, इसकी गोटी कट चुकी है यहाँ पर। ओ माय गॉड, इसकी ज़्यादा वाली गोटी कट गई। अब चलिए तो हम इसी को चलेंगे, इसको हटा दो वहाँ से, ठीक है। अब ये बहुत ही गुस्से में आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो फिलहाल तो हम इसी को चलेंगे यहाँ पर। वैसे मुझे वाली गोटी को चलना था, पर मैं सोच रहा हूँ चलो अब यहाँ पर यही आ गई तो इसी को चल जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये कलर में आ जाए। वो छक्के का इंतजार कर रहा होगा ये भी, ठीक है। चार आ गए हमारे, तो सबसे पहले तो भाई मैं इसे भगा देता हूँ, क्योंकि अगर इसकी चाल भी आ जाए तो ये जीत ना पाए जल्दी, ठीक है। तो मैं चलिए इसी को चलता हूँ, और यहाँ पर अब ये वाली गोटी को लेके आ रहा है, तो मैं इसे भगाऊँगा अब बस। आप भाई मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता यहाँ पर, क्योंकि ये गोटी को इसके इधर वाली को चलना थी, पर ये चल नहीं पाया। चलो दो आ जाएंगे, मेरे कलर हो जाएंगे, मैं इसे यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। अब ये भी हम जीत चुके हैं, ठीक है। अब बढ़ाई इसने गोटी, ठीक है। अब रिक्स लिए, अब रिक्स लेने का क्या फ़ायदा, ठीक है, जब टाइम पूरा हो गया तो रिक्स लेने का क्या फ़ायदा। तो इस तरीके से आप किसी भी गेम को यहाँ पर जीत सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी जाते जाते आप ये तो देख जाइए कि आखिर यहाँ पर अकाउंट में कितना बैलेंस हो चुका है, ठीक है, 15.94 रुपये हो चुके हैं, ठीक है। कुछ फीस लगती है यहाँ पर, प्लेटफॉर्म फीस, ठीक है। अभी यहाँ पर जो विड्रॉ के लिए है वो यहाँ पर लगभग 10 रुपये कम है, जैसे ही 10 रुपये हो जाएंगे मैं विड्रॉ कर दूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं।